जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल आतंकवादी हमले में 44 जवानों की जान चली गई थी, जिसमें झारखंड के गुमला जिले के भी एक जवान शामिल हैं, जिनका नाम है विजय सोरेंग। इस वक्त हम लोग विजय सोरेंग के घर में हैं। यहाँ काफी सन्नाटा पसरा हुआ है, घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। ये पल पल की जानकारी ले रहे हैं। परिवारजनों का कहना है कि जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए और अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ इस वक्त उनके छोटे भाई हैं जो बताएंगे कि वो चाहते क्या हैं। अच्छा, कल जो स्ट्राइक हुई थी उसमें भाई की जान चली गई थी, क्या चाहते हैं आप, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? उधर देखिए सर, ये अब आगे सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर दुश्मनों का खात्मा होनी चाहिए। ये रोज रोज का खून खराबा बहुत हो चुका है ना। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इनका पुरजोर तरीके से बदला लिया जाए, खून के बदला से खून लिया जाए, तभी हम लोग को आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। और आज हमें बहुत दुख है कि भाई दुनिया में नहीं रहे, लेकिन साथ ही साथ हम अपने भाई को गर्व करते हैं कि वो देश के लिए काम आए। ये हमारे साथ थे शहीद विजय सोरेंग के छोटे भाई। इनका कहना है कि जो शहीद जवान हैं उनके परिवार वाले ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अब सीधे कार्रवाई करें। उनके जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि लोग चुनाव को न देखें, प्रधानमंत्री चुनाव के छोड़ इस वक्त सीधे कार्रवाई करें। नरेश कुमार, ईटीवी भारत, गुमला।